आई होप आपको इस लंदन के कंप्लीट व्लॉग्स में मजा आ रहा होगा। और आज हमारा लेग्स है और हम लोग जाने वाले हैं सीधा एडिनबर्ग ट्रेन से। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बस पकड़ने के लिए। सोचा क्यों ना बस से ही जाया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी है बहुत टाइम, रफली 9:15 बज रहे हैं और 11 बजे की हमारी ट्रेन। एंड हमारी होटल के जस्ट सामने ही बस स्टेशन है, जो एग्जैक्टली जहाँ से हमारी ट्रेन है वहाँ पे छोड़ेगा। तो लेट्स गो, आज की जर्नी शुरू करते हैं। वैसे सुना बहुत ज़्यादा है इस कंप्लीट लंदन टू एडिनबर्ग की ट्रेन के बारे में कि बहुत ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं और बड़ा मजा आता है। लेट्स सी। बैठने का पूरा मिल गया है, पूरी बस खाली है, सो कहीं पे भी कोई लोड नहीं है, सामान हमारे इधर आ चुका है। एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट लंदन में हमारा AQI मतलब एयर क्वालिटी चल रही है 2, 3, 4, जो बहुत ही अमेजिंग होती है। आपको जस्ट फॉर रेफरेंस बता देता हूँ, दिल्ली या फिर नोएडा की चलती है 400, 450, कोटा या फिर राजस्थान टाइप की जगह पे चलती है अराउंड 200। मतलब अगर जब 400-450 चलती है ना, तो आप दिन की 18 से 20 सिगरेट्स पी रहे हो, चाहे आप स्मोक करते हो ना करते हो, ऐसी हालत है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि लंदन में क्राउड कम है या ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स कम है, सब कुछ इतना ही है, बट यहाँ की एयर क्वालिटी दे हैव मेंटेन्ड इट सो ब्यूटिफुली। और अगर आपकी कोई व्हीकल होता है जो एमिशन ज़्यादा करता है, तो उस पर वो स्पेशल चार्जेस लगाते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं, ताकि आपके व्हीकल से एटलीस्ट ये कंट्रोल कर सकें। और जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन्हें स्पेशली इंश्योर किया है कि सिटी के एरिया में ना हो, तो इट्स वेरी गुड। हम लोग आ चुके हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन पे। एंड अगर आपको हैरी पॉटर याद है, वैसे कानन में भी हैरी पॉटर टाइप की लग रही है, कौन सा करेक्टर लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। जो हैरी पॉटर में एंट्री होती थी ना, वो अपने स्कूल में जाने के लिए, वो एंट्री का कंप्लीट सिनेरियो और कंप्लीट जो सीन है वो यहीं पे ही शूट हुआ है। मिला मौका तो उसको जरूर दिखाऊंगा आपको। यह है हैरी पॉटर की शॉप और यह है प्लेटफॉर्म 9/3, 3/4। यह है एग्जैक्ट हैरी पॉटर की जगह। यह है प्लेटफॉर्म 9/3/4 और यहाँ पे लाइन लगी हुई है रफली 1.5 घंटे की। और ये सिर्फ यहाँ की लाइन नहीं है, बाहर और लाइन लगी हुई है, और बाहर की लाइन से आके आपको यहाँ पे लाइन पे आना पड़ेगा, तो रफली 1.5-2 घंटा लगेगा। और मेरे पास 1.5-2 घंटे का टाइम है नहीं कि मैं लाइन में लगूँ, बिकॉज ट्रेन का समय हो जाएगा। सो हमने दूर से देख लिया प्लेटफॉर्म 9/3/4 एंड वी आर हैप्पी टू गो। है कंप्लीट शॉप विद ऑल दी हैरी पॉटर स्टफ। मेरी बहन हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन है, तो आई एम जस्ट सर्चिंग आउट कि मैं उसके लिए क्या ले सकता हूँ कि उसको मजा आ जाए। स्टिक ले कुछ चीज़ें तो ले ली, पर अब शॉप में बहुत भीड़ हो गई है और ट्रेन का टाइम हो गया है, सो वी नीड टू लीव, पर सृष्टि विल बी हैप्पी। लोग परेशान होते हैं कि भाई ट्रेन लेट हो गई, 15 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा लेट हो गई। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे हमारी ट्रेन कैंसिल पे कैंसिल हो रही है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, आराम से खड़े होती है कैंसिल, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यही फर्क है। तो फाइनली हमें सीट्स मिल गई है। सीट्स भी ऐसे मिली कि जुगाड़ से हुआ, क्या कि वहाँ पे उन्होंने एक बैरिकेड लगा रखा है, पर हम लोग तो हिंदी हैं, हम लोग बैरिकेड बैरिकेड थोड़ा समझते कि बैरिकेड के आगे नहीं जाना, हम तो बैरिकेड के आगे गए और आगे एकदम आगे जहाँ पे हमारी ट्रेन आनी थी। ट्रेन पे आई, ट्रेन पे बैठ गए और यहाँ पे हमें सीट्स मिल गई है। ये वही लोग हैं जो सारे स्मार्ट लोग हैं, अभी तक बैरिकेड खुलेगा और जो वेकेंट ग्रीन वाली सीट दिख रही है वहाँ पे रैंडमली आके कोई भी बैठ सकता है जिसकी पहले की ट्रेन कैंसिल हुई है, हमारे से लोग। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, उसी समझ लो कि जुगाड़ से सीट मिल गई है और सीट भी अच्छी मिली है, व्यू बहुत अच्छा आएगा यहाँ से, सो कानन विल एंजॉय, राइट। अभी तक की जर्नी बड़ी ही सुंदर है, एक अच्छा सा व्यू हमारे साइड में चल रहा है और हमारे पास मेट्रो सीट है जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाते जा रहे हैं स्नैक्स। यहाँ पे जितनी भी सर्विस होती है ट्रेन की वो सब बंद हो गई है, बिकॉज आज बहुत सारी ट्रेन कैंसिल है, सो हम हमारे जुगाड़ पे चल रहे हैं अभी तक, विच इज़ ओके। सो हमारी ट्रेन रफली 1.5 घंटा लेट हो गई है। कानन यहाँ पे कुछ तो टाइम पास करने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कानन, भूख लग रही है? मेरे को लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, बिकॉज सुबह हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था ब्रेकफास्ट में। और अब हम लोग पहुँचेंगे करीब 4, 4:30 बजे, तो जाते ही मैं तो इंडियन रेस्टोरेंट के सबसे पहले खाना खाऊंगा। व्यू बाय द वे अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो व्यू में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। सो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे लिए ट्रेन का ड्राइवर भाग गया है। ये लोग अब वेट कर रहे हैं कि एक नई ट्रेन आएगी, उसके क्रू उतरेगा, उसका ड्राइवर आएगा, तब हमारी ये ट्रेन चलेगी। भाई साहब इंडिया बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंडिया के लोग बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो देव मानुस निकला, यहाँ के लोगों को काम करने की फुर्सत नहीं है, भाग गए, मतलब ट्रेन का ड्राइवर भाग गया, हद ही हो रही है अभी, कारण देखो असरी है। फाइनली ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के ब्रेक के बाद ट्रेन चली, और जैसे ट्रेन चली सब इतने खुश हो गए, इतनी तालियां बजाई, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट इट वॉज अमेजिंग। अब भाई बस प्लीज ये पहुँचा दे, क्योंकि ये भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में जैसे हम एडिनबर्ग पहुंचेंगे वहाँ पे रेंज है। इंडिया में क्या होता है, पकड़ पकड़ के खाना खिलाते, नहीं समोसे खाओ, नहीं कचौरी खाओ, कुछ तो खाई लो, यहाँ पे सर्विस का दे रखा है, स्कैन कर लो, कोई नहीं है। स्टेशन पे नीचे जाओ, कोई चाय भी, चाय छोड़ो पानी तक नहीं पूछ रहा, और नीचे जा ही नहीं सकते, और बाई चांस नीचे उतर भी जाओ तो वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का नहीं है। भाई साहब ये देखो, ये दाल की ये खा रहे हैं। फाइनली पहुँच गए।
फाइनली। सो लाइफ में पहली बार मैंने किया है एयरबीएनबी और ये है हमारा कंप्लीट एयरबीएनबी। बड़ा प्यारा सा क्रिसमस ट्री है एंड क्यूट सा एयरबीएनबी है। मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक है, मतलब जैसे मैंने सोचा था वैसा ही कुछ है। पर जो बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये एयरबीएनबी है ना, मतलब ऐसा लगा कि ये क्या है, हम कहाँ आ गए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पर जैसे ही इस अंदर आए रूम में तो रूम इज़ वेरी कंफर्टेबल, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा है।